नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप पर। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे 7 जुलाई के वो महत्वपूर्ण खबरें जिनके संबंध में हमारी परीक्षा में क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये सवाल हमारी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने साथियों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएँ, और एक एक पर्टिकुलर पार्ट अच्छे से नोट डाउन करिएगा, इसी वजह से आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माई गवर्नमेंट स्टेट इंस्टेंट। 18th इलस्ट्रेशन ऑफ द माई गव स्टेट माई गव गुजरात वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। माई गव स्टेट इंस्टेंट सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च विद 4 मेजर ऑब्जेक्टिव। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। एक बार हिंदी में देख लेते हैं, माई गव राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माई गोव राज्य का 18वां इलस्ट्रेशन माई गोव गुजरात को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। माई गोव राज्य के उदाहरण नागरिक के केंद्रित मंच को 4 प्रमुख उद्देश्यों के साथ लॉन्च किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या सही कथन हमारे सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, और ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा हमारा, दोनों ही बिल्कुल क्या है हमारे, दोनों ही बिल्कुल सही है। बात करें अगर इस इनिशिएटिव के बारे में, तो हाल ही के अंदर क्या हुआ कि हमारा जिस तरह से माई गवर्नमेंट स्कीम हमारी लॉन्च की गई थी, माई गोव जिसको कहा जाता शॉर्ट के अंदर, जो कि हमारा 2014 में 2014 में 26 जुलाई के दिन लॉन्च किया गया था पूरे हमारे इंडिया के लिए, वैसे ही स्टेट्स के अंदर भी लॉन्च किया गया हमारा। और ये 18वां ऐसा हमारी स्थिति है यानी कि राज्य है जिसके अंदर ये हमारा स्टेट के लेवल पर भी लॉन्च किया गया है, और वो 18वां हमारा जो तक स्टेट है वो हमारा कौन सा है, गुजरात है। इस वजह से वाला स्टेटमेंट सही है हमारा। दूसरे इसके 4 जो ऑब्जेक्टिव है कि क्यों बनाया इसको, ताकि लोगों तक यानी कि जो सिटीजन हैं उन तक जो है गवर्नमेंट के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कुछ मेजर पर्टिकुलर कदमों के बारे में जानकारी पहुँच सके। कैसे कैसे? जैसे कि स्वच्छता अभियान, अगर स्वच्छता अभियान को लेकर के किसी तरह का कोई बातचीत जनता से करनी है या पोल करवाना है तो इसके थ्रू हो सकता है। साथ ही साथ में डिजिटल सेवा सेतु जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर डिस्कशन होगा। कई बार हमारा जो है ई गवर्नेंस के द्वारा किस तरह से चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है ये डिस्कस करने के लिए, और हमारा जो रेन वाटर रहता है ना उसको हम किस तरह से जो है इस्तेमाल करके हमारी जो वाटर को है जो सेव कर सकते हैं। इन तीन चार हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स के साथ में ये क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इस वजह से दूसरा भी इस कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगला पर्टिकुलर पार्ट, अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हरियाली महोत्सव। हरियाली महोत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑन July 8, 2022 इन न्यू दिल्ली। स्टेटमेंट नंबर टू, हरियाली महोत्सव द ट्री महोत्सव इज बींग ऑर्गेनाइज विद एन एम टू राइज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नेदर वन एर नॉर टू। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, हरियाली महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। हरियाली महोत्सव वृक्षों के महोत्सव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा केवल हमारा यही पार्ट रहेगा, ये नहीं रहेगा। कारण ये है कि ये जो हमारा इनिशिएटिव यानी कि जो हरियाली महोत्सव स्टार्ट किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन का जो हमारा मंत्रालय है उसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है, ना कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। हाँ, 8 जुलाई को लागू किया गया है, नई दिल्ली के अंदर इसका आरंभ किया गया है। इस हरियाली महोत्सव जो कि ट्री महोत्सव है, जो कि हमको पेड़ों की उपयोगिता को बताता है और आने वाले जनरेशन के लिए कितना ज़रूरी है पेड़ों को बचाना, ये चीज़ों को बताता है, ये हमारा महोत्सव स्टार्ट किया गया था। लेकिन ये जिस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, जिस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो मिनिस्ट्री है हमारा, वो इसको लॉन्च किया है, आयोजन किया है। अगला सवाल, नियरली 100 स्टूडेंट्स इन ईस्ट सिक्किम हैव स्किन इन्फेक्शंस आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद विच टाइप ऑफ फ्लाइज। पूर्वी सिक्किम में लगभग 100 छात्रों को किस प्रकार की मक्खियों के संपर्क में आने से त्वचा में संक्रमण हो जाता है।
होवर फ्लाइज, लोस फ्लाइज, नरोबी फ्लाइज या मार्स फ्लाइज। तो अगर इस पे समय में बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा नरोबी फ्लाइज यानी कि नरोबी मक्खिया। नरोबी फ्लाइज की बात की जाए तो साथियों ये ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, वहाँ की हमारी जो है ये हमारी एक प्रजाति है। हाल ही के अंदर ये हमारे ईस्ट सिक्किम में भी पाई गई। कारण ये है कि ये हमारे उन एरियाज में पाई जाती है जहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है, यानी कि बारिश की मात्रा जो है ज़्यादा है। सिक्किम भी आज हाल ही की स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर जरूरत से ज़्यादा ही बारिश हुई है, इस वजह से ये नरोबी फ्लाइज यहाँ भी देखने को मिली। इनको कैनन फ्लाइज या ड्रैगन बग्स भी कहा जाता है। एक्चुअल में ये काटती नहीं है नॉर्मली, बाकी फ्लाइज के जैसे बाकी मक्खियों के जैसी होती है, लेकिन जब कभी भी इसको या आपकी स्किन पर है अगर आप उसको छेड़ते हैं या फिर उसको मारने की कोशिश करते हैं तो ये अपने बॉडी से एक एसिड सब्सटेंस निकालती है जिसका नाम है पेडेरिन। वो पेडेरिन जब स्किन पर आता है तो हमारी स्किन पर कुछ मार्क्स हो जाता है, जलन होती है ना, कलर चेंज हो जाता है। ये जो इनकी हमारा स्किन का इन्फेक्शन है वो किन के कारण होता है, हमारे इन नरोबी फ्लाइज के कारण होता है। उम्मीद है ये बात क्लियर होगा। अगला पॉइंट, द दलाई लामा वॉज ग्रीटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन हिज 87th बर्थडे, ही इज द दलाई लामा। दलाई लामा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके 87वें जन्मदिवस की बधाई दी, जन्मदिन की बधाई दी। वे दलाई लामा है कौन से, 10th, 12th, 13th और 14th, 10वें, 12वें, 13वें या 14वें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दलाई लामा कोई नाम नहीं है, दलाई लामा एक उपाधि है। बुद्धिज्म की एक जो शाखा एक ब्रांच रही तिब्बतन, उसके अंदर एक हमारा एक ट्रेडिशन है कि एक हमारे जो व्यक्ति रहेंगे जो कि सबको लीड करेंगे उनको हम दलाई लामा के रूप में उपाधि दे करके यहाँ पर चुनेंगे। कहा जाता है कि ये हमारे जो पूर्वज रहे जो बौद्ध हमारे जो है बोधिसत्व रहे उन्हीं का अलग अलग रूप है अलग अलग काल के अंदर, और दलाई लामा को ही इस तरह का हमारा एक रूप माना जाता है। अब तक टोटल 14 जो है हमारे दलाई लामा रह चुके हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी के संबंध में हमारा ये क्या है ये सवाल है। अगला पार्ट, हु हैज पब्लिश्ड द बुक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक किसने प्रकाशित की है, पेंगविन, रैंडम हाउस इंडिया ने, रूपा पब्लिकेशंस ने, हैचेट इंडिया ने या पुस्तक महल ने। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा, है ना, यानी कि हमारा रूपा प्रकाशन ने, रूपा पब्लिकेशन ने इसको क्या किया है हमारा पब्लिश किया है, याद रखिएगा। और किसने इसको जो है हमारा यहाँ पर इनॉग्रेट किया था, यानी कि किसने इसका विमोचन किया था, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा क्या किया गया था, इनका विमोचन किया गया था पुस्तक का। अगला सवाल, हु वाज स्वॉर्न इन एज द 17th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, जूनियर फर्डिनांड मार्कोस, रोड्रिगो दुतरेत, सारा दुतरेत, बेनिगो एक्विनो थर्ड। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा, जूनियर फर्डिनांड मार्कोस जो है हमारे 17वें राष्ट्रपति बने हैं किसके, फिलीपींस के। तो उम्मीद है ये भाग आपको क्लियर होगा। किसी भी तरह की क्वेरी आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवालों को ड्रॉप कर सकते हैं या हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे काउंसलर से भी संपर्क कर सकते हैं, 9650052904 पर आपकी हर एक तरह की समस्या का समाधान हमारे काउंसलर के द्वारा कर दिया जाएगा। कोर्स के संबंध में कोई जानकारी, परीक्षा के संबंध में कोई जानकारी या किसी भी तरह के विषय विषय जो जिसका संबंध सीधा या इनडायरेक्टली हमारा किससे है, परीक्षा से है या फिर आपकी तैयारी से है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे हम लोग फिर से एक ऐसे ही नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बायजूस एग्जाम प्रेप के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।